वृंदावन नाम सुन के आप लोगों को क्या याद आता है? श्री कृष्ण भगवान, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी, यमुना घाट, हजारों लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। और आप किसी लोगों से भी पूछें कि वो वृंदावन क्यों आते हैं तो वो यही बोलेंगे कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपनी परेशानियों का सोल्यूशन ढूंढने आते हैं। और व्लॉगिंग करियर स्टार्ट करने के लिए वृंदावन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जगह है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं वृंदावन कभी नहीं आया, मैं अपने दोस्तों के साथ पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। और ऐसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ मैं नोएडा से मथुरा। 140 किलोमीटर के सफ़र के बीच में हम एक रिलैक्सेशन के लिए शिव ढाबा आते हैं। शिव ढाबा से खाना खाने के बाद हम मथुरा के लिए निकलते हैं। सबसे पहले जगह जहां हम विजिट करते हैं वो है चमुंद्रा देवी मंदिर। ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है और इस मंदिर का दर्शन के लिए बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि ये जंगल के बीच में है। इस मंदिर का एक खासियत है, जब सती माँ का 51 शक्तिपीठ में विभाजित हुआ था तो उनका केश यहाँ आके गिरा था। और अब मथुरा आते हैं तो चमुंद्रा देवी मंदिर जरूर आना। दूसरी जगह जहाँ हम जाते हैं वो है नीम करोरी बाबा आश्रम। नीम करोरी बाबा आश्रम नाम सुन के आपको यही लगता होगा कि ये मंदिर केवल नैनीताल में है, पर उनका आश्रम मथुरा में भी है। बाबा ने अपना अंतिम फेस, लाइफ का अंतिम फेस यहीं गुजारा है और अपना देह यहीं त्याग कर गए थे। और लोगों को लाइफ में कोई भी परेशानी हो वो यहीं आते हैं, भले वो विराट कोहली हो, मार्क जुकरबर्ग हो या स्टीव जॉब्स हो। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि लाइफ में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीम करोरी बाबा आश्रम जरूर आना, आपको एक मेंटल पीस जरूर मिलेगा। और उनका समाधि भी यहीं है, आप यहाँ पे आते हो तो नीम करोरी बाबा का समाधि का भी दर्शन आप कर पाओगे और जो मेंटल पीस आपको मिलेगा वो अलग। फिर हम आते हैं इस्कॉन टेम्पल, जिसका नाम श्री कृष्ण बलराम टेम्पल भी है। यहाँ आने का सबसे मेन रीज़न है मेंटल पीस। यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आप अपने टेंशन, परेशानियाँ, दुख सब कुछ भुला देंगे। वृंदावन आते हो तो इस्कॉन टेम्पल जरूर आना, वो भी 2 घंटे यहाँ बैठ के सारे दुख, परेशानियाँ, सारी जितने भी प्रॉब्लम हैं उस सब का सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, आपको एक मेंटल पीस ज़रूर मिलेगा। आप ज़रूर आना और यहाँ पे आने के बाद आप सेंट जितने भी लोग हैं उनके साथ आप नाचना स्टार्ट कर दोगे, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो फ्रस्ट्रेशन सारा कुछ आपको निकल जाएगा। ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग है, जो पहला व्लॉग कह सकते हो मेरा जो लॉन्ग फॉर्मेट में आया है। तो मेरे को इस वीडियो से थोड़ा सपोर्ट आपको चाहिए तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे कि मेरे को एक मोटिवेशन मिले कि आगे भी ऐसा वीडियो अपलोड करने का। और शॉर्ट्स वीडियोस तो आते ही रहेंगे, जहाँ पे आपको मैंने प्रॉमिस किया कि 51 शक्तिपीठ का भी दर्शन ज़रूर करवाऊँगा। और